तो गाइस अगर आपने हमारे लीजेंड ऑफ जियानियो की एपिसोड 1 से लेकर 12 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें झांग टोंग को दिखाया जाता है जो एरिना में आते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझे खुद से चैलेंज किया है। और वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस यान चेन और झांग टोंग की फाइट देखने आए होते हैं क्योंकि झांग टोंग निक्की स्टेज के लेवल 5 का कल्टीवेटर था और यान चेन निक्की स्टेज के लेवल 1 का कल्टीवेटर होता है। और यान चेन कहता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी वहाँ पर जो झांग टोंग होता है वह कहता है, रुको रुको, ऐसे फाइट नहीं होगी, हम दोनों के बीच में एक बैट लगेगी। तो यान चेन कहता है, बैट? तो वहाँ पर झांग टोंग बोलता है, अगर मैं ये फाइट जीत गया तो तुम मेरे जीवन भर गुलाम रहोगे। तो यान चेन कहता है, बैट? उसके बाद यान चेन कहता है, ठीक है, मुझे यह मंजूर है। झांग टोंग यान चेन की बात सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और सोचता है कि आखिर इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है कहाँ से। वहाँ पर जो ऑडियंस होती है वह कहती है, निक्की स्टेज लेवल 1 के, अरे ये बंदा आखिर पागल हो चुका है क्या, लेवल 5 के कल्टीवेटर को एक तो धमकी दे रहा है, ऊपर से यह जीवन भर की गुलामी भी मंजूर कर रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो झांग टोंग होता है वह कहता है, बहुत बढ़िया, अब यान चेन तुम बताओ, अगर तुम यह फाइट जीत गए तो तुम्हें बैट में क्या चाहिए। तो यान चेन कहता है, तुम्हारी जान। यान चेन की इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी ऑडियंस होते हैं वह कहते हैं, अरे ये लड़का पागल है क्या, आखिर इसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कहाँ से। तब वहाँ पर झांग टोंग पूछता है, अच्छा चलो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम सच में क्या यह करना चाहते हो, क्या तुम पागल हो तो नहीं हो चुके हो। तो वहाँ पर यान चेन कहता है, क्यों डर गए क्या, लड़ने का मन नहीं है क्या आप। तो वहाँ पर झांग टोंग अपनी एनर्जी निकालते हुए कहता है, मैं और मुझे डर लगेगा तुमसे, तुम अभी निक्की लेवल स्टेज 1 पर हो। और तुरंत यान चेन पर अपनी एनर्जी से एक अटैक करता है तो यान चेन उसे अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही आसानी से रोककर उसे पीछे ढकेल देता है। और वहाँ पर झांग टोंग कहता है, बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। तो वहाँ पर यान चेन कहता है, तो लड़ ना, पूरी तरह से आकर लड़। उसके बाद वहाँ पर जो झांग टोंग होता है और यान चेन होता है उनके बीच में काफ़ी आइकॉनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें यान चेन बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ा होता है, लेकिन वह अभी उसकी कल्टीवेशन कम थी जिसके कारण वह पीछे हट जाता है। और वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो यान चेन के पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे क्योंकि एक निक्की लेवल 1 का स्टेज का कल्टीवेटर एक निक्की लेवल 5 के स्टेज का कल्टीवेटर के सामने इतने समय तक लड़ रहा था, वो भी लड़ नहीं, उसे पीछे भी ढकेलने में कामयाब हो जा रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। उसके बाद वहाँ पर जो यान चेन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे पर मार रहा था और झांग टोंग इतनी तेज मुक्का मारता है यान चेन की तरफ कि यान चेन की तलवार पीछे जाकर दूर गिरती है। और झांग टोंग कहता है, क्या खत्म फाइट, अब नहीं लड़ोगे क्या, तुम्हारी तलवार तो नीचे गिर गई, क्या अब उसे उठाने जाओगे। और वहाँ पर यान चेन एक बार पीछे मुड़कर अपनी तलवार की तरफ देखता है और फिर आगे बढ़कर तुरंत अपना पोज लेकर मार्शल आर्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता और कहता, आ जाओ मैं बिना तलवार के लड़ूंगा। और यान चेन की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो झांग टोंग होता है वह काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता और कहता, तलवार से नहीं अब तुम हाथों से लड़ोगे, क्या तुम में इतनी एनर्जी है। उसके बाद झांग टोंग यान चेन पर अटैक करता है तो यान चेन भी बहुत ही खतरनाक तरीके से उस पर अपनी एनर्जी से मुक्का मारता है और झांग टोंग उसकी एनर्जी से पीछे चला जाता है। और यह नज़ारा देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि आखिर इस बंदे की बॉडी टेक्निक कितनी ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है, यह बंदा इतनी बड़ी तलवार से लड़ रहा था और अब इसकी बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वह निक्की स्टेज लेवल 5 के कल्टीवेटर को पीछे हटा सकता है। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट किया जाता है थोड़ा सा पास्ट में, जहाँ पर ओल्ड ग्रैंडपा का पोता झांग लोंग के अटैक से अभी भी ज़्यादा घायल था और यान चेन ने उसका इलाज तो किया था लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया था। और यान चेन गुस्से से कमरे से निकलता है तो ओल्ड ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यान चेन कहता है, झांग टोंग से बदला लेने। उसके बाद हमें सीन प्रेजेंट में लाया जाता है और इन सारी बातों को सुनकर वह यान चेन तुरंत अपना एनर्जी निकालता है और उसकी ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है। और वहाँ पर झांग टोंग भी अपनी एनर्जी को सिमुलेट करने लगता है और झांग टोंग तुरंत अपनी एनर्जी से यान चेन पर अटैक करता है तो यान चेन उसे डॉज कर देता है।
और वहाँ पर जो झांग तोंग होता है वह तुरंत एक पंच यान चेन की तरफ मारता है, तो यान चेन उस पंच को अपने हाथों से ही रोकता है, लेकिन यान चेन थोड़ा सा पीछे चला जाता है और झांग तोंग फिर से यान चेन पर अटैक करता है, तो यान चेन उसके पैरों को पकड़कर जोर जोर से घुमाने लगता है और कहता है बहुत घमंड था ना, और उसे उठाकर फेंक देता है और फिर झांग तोंग के पास जाकर उसके सीने पर एक मुक्का मारता है, जिससे झांग तोंग पीछे गिर जाता है और कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा ना, गुस्से में फिर से अटैक करता है, तो यान चेन इस बार अपने मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए झांग तोंग के गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है, और इस नज़ारे को देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का है कितना ज़्यादा टैलेंटेड, इतनी कम कल्टिवेशन होकर भी अपने हाई लेवल के कल्टिवेशन वाले बंदे तक को हराने की क्षमता रखता है। और वहाँ पर जो झांग तोंग होता है वह थप्पड़ खाने से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और कहता है यान चेन आज तू मरेगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसकी बॉडी से ब्लूर ऑरा निकलने लगता है, और इस ऑरा को निकलते देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यान चेन से कहते हैं अरे वो सबसे खतरनाक अपनी टेक्निक परफॉर्म करने जा रहा है, ये एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैंड टेक्निक है, अगर वह यान चेन को लग गए तो यान चेन बचेगा नहीं। और वहाँ पर जो झांग तोंग होता है वह कहता है कैंग क्लीन फिस्ट, और तुरंत उसकी बॉडी से बहुत ही तेज ऑरा निकलता है, और जो यान चेन होता है वह अपनी ट्रू फायर का उपयोग करके एक फिस्ट बनाता है, और तुरंत उस दोनों का फिस्ट आपस में टकराता है और वहाँ पर बहुत ही तेज ऑरा निकल रहा होता है, जिसमें यान चेन उसको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है और झांग तोंग उसको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यान चेन की ट्रू फायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसके कारण झांग तोंग पीछे जाकर गिरता है और वह इस अटैक में बेहोश हो जाता है और उठ भी नहीं पाता है। और वहाँ पर जितने भी ऑडियंस होते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और कहते हैं क्या झांग तोंग हार गया, पर ये कैसे हो सकता है, एक निक्की लेवल 1 स्टेज का कल्टीवेटर एक निक्की स्टेज 5 के कल्टीवेटर को कैसे हरा सकता है। और इधर हमें दिखाया जाता है यान चेन को, जिसकी एनर्जी कम तो हो गई थी लेकिन वह अभी खड़े होने के हालत में था और वह अभी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त था, तुरंत अपनी स्वॉर्ड के पास जाता है और उसे ज़मीन से निकालते हुए कहता है तू बचेगा नहीं। और वहाँ पर जो ऑडियंस होती है वह कहती है क्या यान चेन सच में झांग तोंग को मार देगा, क्या वो ऐसा करने में सक्षम है। तभी वहाँ पर यान चेन झांग तोंग के पास जाता है और झांग तोंग कहता है ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता, तो यान चेन कहता है तू हारा नहीं, अपनी ज़िंदगी हार चुका है, आज तू मेरे हाथों मरेगा, यहाँ पर आज भगवान भी आ जाए ना तब भी तुझे आज मेरे हाथों नहीं बचा सकता। और वहाँ पर झांग तोंग तुरंत यान चेन के सामने झुक जाता और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और यान चेन कहता नहीं आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। तो गाइस क्या यान चेन झांग तोंग को मार देगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको हमारी